हैंडलूम का काम करते करते मुझे 50 साल हो गए हैं। पट्टू की बुनाई करता हूँ, शौले बनाता हूँ, चेकदार गरू बनाता हूँ, मफलर बनाता हूँ। पहले तो भेड़ों की ऊन होती है उसको नहलाते हैं, फिर उसकी कटाई करते हैं भेड़ों से, फिर धुलाई करना पड़ती है। गोले के बाद फिर ताड़ा लगा के फिर उसको मतलब उसकी गिनती होगी, 2000 धागा डालना है, 3000 डालना है, 1000 डालना है, जैसा भी हो मतलब बनाना है। फिर उसकी गिनती के हिसाब से उसमें कांगी लगेगी, उसका कांगी का बड़ा अपना नंबर होता है, कोई 2000 की होती है, कोई 1000 की होती है, कोई उसका बड़ा अपना नंबर होता है कांगी का, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तभी भी उसका शॉल का 1 मीटर अर्ज करेंगे, ये 2000 धागा डालना है, तभी उस कांगी में एडजस्ट होगा। फिर उसका धागा धागा करना, एक एक दोनों तरफ से 2 आदमी इधर से लगते हैं, 2 उधर से लगते हैं, फिर उसका धागा धागा करके फिर वो एक लकड़ी का बेल्डू होता खड्डी में, 2-2 धागे करके मतलब वो क्रोसिए से कांगी भरना पड़ती है। फिर उसके बाद उसको सरिये से बांधा जाता है, गट्ठे देने पड़ती हैं। यही भी लेते थे हम, दिल्ली में भी गए हैं, वो प्रगति मैदान में हमने काउंटर भी लगाया, महीना महीना 50-50 हजार का में काउंटर भी मिलता था, 1 महीना भर हमने वहाँ रहना। बिकती थी कम, बिकती ना उनको चाहिए बिल्कुल, और उसको मतलब इस महामारी सालों में वो आती है ना खसरी होती है, चुभती है ना वो ऊन, वो अमीर आदमी उनको तो चाहिए बिल्कुल नहीं, रूई उठ के तरह, पर बिकती थी ना, सारे अमीर थोड़ी होते, गरीब भी होते ना कि, तो ले जाते थे उस वक्त तो 2-3, 3-2.5, 300 की। अब तो वो सॉल जो है अब तो 2000, 2200, 2500, चाहे बर्फ पड़े चाहे बारिश होए, उसमें अंदर पानी नहीं आता, एक खासियत होती है इस कमरे में।